Good morning, everyone. It's 7:26 in the morning. और हमारा जो स्टे होटल पॉइंट में दैट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग. सो नाउ वी आर हेडिंग टू मार्फा विच इज़ अराउंड 160 किलोमीटर्स. और सिंस रास्ता ख़राब है तो मेरे को लगता है इट विल टेक अराउंड 4-5 hours. सो 6 hours, सॉरी माई बैड, 6 hours. सो विल बी अ रियली एक्साइटिंग जर्नी. सो बने रहिए मेरे साथ. सो दैट इफ यू सी अन्नपूर्णा, दैट इज अन्नपूर्णा रेंज जो कि एकदम ही बगल में आ रहा है अभी फिलहाल. देखो आप व्यू, सुपर व्यू है, सुपर. ओ शिट, ये पूरा रेंज दिख रहा है. I would like to stop for a cup of tea. अभी व्यू देखते देखते मस्त चाय का मजा ले सकते हैं. चिया पाइन चिया सुनियो अहिले हा पता नहीं, एक फिर से आवाज चालू हो गया फ्रंट पोर्शन से. हजुर दुईटा चिया दिनुहोस् न. छ अरे, एउटा रातो चिया एउटा ब्ल्याक कफी गरिदिउँ न, तर बिना चिनीको. ब्ल्याक कफी बिना चिनीको. चाय हो गया, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी. अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल. ट्रैफिक भी कम रहता, नहीं तो ट्रैफिक में बहुत ही गंदे फंस जाओगे. यार ये चोटी तो ऐसा लग रहा बगल में ही है अभी. हाँ GoPro में उतना समझ में नहीं आ रहा है, बट आंखों देखी ये चूटियाँ इतनी बड़ी लग रही है. इमेजिन उनके नीचे खड़े होके इनको देखना कैसा रहेगा. इट्स माई ड्रीम, आई मीन समडे टू क्लाइंब दीज माउंटेंस ट्रैक करके, होपफुली वेरी सून वो भी पॉसिबल होगा. Beautiful. खाया लुम पहला. लो 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 आओ आओ, ताजा ताजा खाओ ना, मक्का खाओ, मक्का जाओ निकलो आओ. खाना बंद ना लगने लग, खाना बंद लगने आओ तो क्या निकलो, आओ ना आओ ना आओ ना. बाय बाय. This is our traditional roti. It is made from the rice. From the rice. So celery भी मिलता है आपको, पूड़ी मिलेगा, छोले, अंडे, बॉयल अंडे, हाँ रोटी भी मिलेगा. हाँ डॉल्ले भाई यो. बात ही बिना ना हो. अब भाई कम थी लड़. हाल तुम तो रे कम थी. प्याज प्याज आते हैं ना, प्याज प्याज. अरे बाबा बाबा आम बाबा. सो ये है चना दाल, सारे पल्सेस डाले हुए डले हुए हैं. और ये सेल रोटी. सो हमारा ब्रेकफास्ट कम लंच हो गया ख़त्म. अब जो नेक्स्ट हॉल्ट होगा वो सीधा होगा जो हमारा स्टे है. बड़ा माथी थियो. सो अगर आप पोखरा से स्टार्ट करते हो तो मुस्तांग जा रहे हो, तो जो एंट्री पॉइंट है वो बेनी है.
सो बेनी का जो रास्ता है वो दो है, आप अगर वहाँ से एक और एक रास्ता छूटता है जो हम छोड़ गया है, तो पूरा अभी रास्ता कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो पूरा ख़राब होके रखा है वो स्ट्रेच। और ये जो है ये रास्ता जाता है ऊपर की तरफ, रास्ता छोटा है बट पिच रोड है। सो इनकेस अगर आप आते हो अभी कुछ दिनों में विद इन अ मंथ टू थ्री, सो मेक श्योर कीजिएगा आप वो कच्चा रास्ता नहीं लेके ये पिच रोड लीजिए, तो फिर एटलीस्ट आपको थोड़ा ट्रैवल में कंफर्ट होगा। बाकी डिस्टेंस में कुछ आधा एक किलोमीटर का ही कह रहे हैं, ये फ़र्क है, लेकिन रास्ता ये अच्छा है। सो यहाँ से अगर कोई टर्न है वहाँ से एक मंदिर आती है, सो मंदिर आने के बाद फिर आगे जाके दो रास्ता छूटता है, एक नीचे की तरफ जाता है और एक बेनी की तरफ जाता है। ओ हो वो ऊपर देखो आप, सस्पेंशन ब्रिज, ये है मंदिर। तो ये मंदिर से आप आगे जाके दो रास्ता छूटता है, एक बड़ा रास्ता है और एक छोटा रास्ता है, तो हमें छोटा रास्ता लेना पड़ेगा। और जो अभी आपने सस्पेंशन ब्रिज देखा था हैंगिंग, वो है यहाँ पे, देखते हैं अगर एंट्री कर सकते हैं कि नहीं। गाड़ियाँ चल रही है, मेरी फटी पड़ी है, लग नहीं रहा मैं बंजी जंपिंग कर पाऊँगा। लुक एट द लेंथ, ओ तेरी बैक पे रहने में डर लग रहा है। दिस इज़ द व्यू, तो आप ये सस्पेंशन ब्रिज से आ सकते हो। सो ये जो रास्ता छूटता है ये वाला है हमारा बेनी जाने का रास्ता। फिर एक बार कंफर्म कर लेते हैं, बाजे बेनी जाने बाट ये है। So this is Beni. One way. So आज हम मार्फा रुक रहे हैं। इस पहले हमारा जॉमसन का प्लान था, पर जॉमसन हम इसलिए नहीं रुक रहे हैं क्योंकि जॉमसन किसी ने बताया हमें कि जॉमसन जो है वो अभी अभी नया शहर बन रहा है, नया गांव बस रहा है, बट मार्फा जो है वो कुछ 400-500 साल पुराना गांव है। तो हमने सोचा क्यों ना वहां रहें जहां पे हिस्ट्री है। तो एक तो ये हर गली पे दो रास्ता छूटता है। दाई दाई मार्फा जाने को, तो मार्फा मार सीधा हर नुक्कड़ पे दो रस्ते हैं, कनफूसा जाएगा इंसान। भाई मार्फा जाने बाटो का तो मार्फा यह बड़ा राइट लेफ्ट, ला 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 धन्यवाद ला ला। यहाँ से लेफ्ट है, खराब स्ट्रेच शुरू हो गया। वंस वी क्रॉस्ड बेनी, हाँ लगता है पहुँचते पहुँचते वाट लगेगी।
ऑफ रोड का शुभारंभ हो गया। कहाँ जाने वहाँ बड़ा हाल नहीं कहाँ मिल जा अब क्या बार देख देना हॉर्न भी बजाने तो फिर जाँदैन अलिकति ब्याक गरिदिएको हामी निस्किहाल्थ्यो त अन्त अब कसरी ब्याक गर्ने यहाँ त मिल्दैन मिल्दैन दाइ ब्याक गर्नु यहाँ जग्गा छैन निस्किने देखिनँ देखिनँ देखेको भए किन आउँथे देखि देखि कहाँ आएको देखि आएको पिछाडि छ जग्गा टाढा छोडिदियो छोडिदियो आए जान्दे त्यो रास्ता ऐसा है उसके पास बैक गियर है बट वो जाएगा नहीं यहीं पे थोड़ा सा जगह था यहाँ तक बैक कर देता गाड़ी चली जाती बाइक तो निकल जाता क्या बोलेंगे सच्ची प्यास से वाट लग गई गला सूख गया यार त्यहाँ देख्यो अगाडि कति जग्गा थियो कस्तो अलिकति ब्याक गरेको भइहाल्थ्यो आउने बित्तिकै जग्गा थियो वाट लग गई भाई स्टार्टिंग करते करते ये तो अभी कुछ भी नहीं है ऐसा कितना दूर जाना है पूरा पहाड़ को लिटरली काट के रास्ता बना है नहीं हो पाएगा पूरा बॉटम डाउन हो रहा है सस्पेंशन बाप रे ओ अब इस बार हॉर्न बजा के ही जाऊंगा मैं तो पिछले बार की तरह नहीं करूंगा असल में पहाड़ों पे ही चला रहा हूँ रास्ता ही नहीं है
भाई साहब ऑफर जाओ यार जाओ 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 भाई हिना 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 वॉटरफॉल है ना, लुक एट द वॉटरफॉल आम्बो मैं कत रहे सदा The road is very, very extremely off-roading. बहुत ही rough patch है and I wouldn't suggest anyone to travel solo because definitely आपको कहीं पे ऐसा होगा कि मैन पावर लगेगा और एक हेल्पिंग हैंड रहेगा तो सही रहेगा वही कोई तो बहुत ही रॉकी और स्टीप है लुक एट दिस पूरे पत्थर ही पत्थर है एंड कभी कोई कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सामने से गाड़ी आए तो आप जा नहीं सकते हो वेट करना पड़ेगा उनके पास होने का ओह गॉड बेटर स्टैंडिंग देन सिटिंग तेल हाल हो ला अगड़ी छेन पेट्रोल पंप देखा पर्ने ए एउटा यो छ भान्सा देखाउनु पर्यो है सो दिस इज अ चेक पॉइंट जहाँ पे आपका परमिट चेक किया जाता है एंड द नेम ऑफ दिस प्लेस इज घासा यहाँ से जो हम रुक रहे हैं आज वो इज अनदर 25 किलोमीटर तो अगर आप पेट्रोल भरा के रखना चाहते हो तो बेनी इज़ द लास्ट स्टेशन वहाँ से ही फुल टैंक करा के आइएगा हाँ दो यहाँ पे भी मिल जाता है बट यहाँ पे लूज़ मिलता है देयर इज़ नो पेट्रोल पंप एक पेट्रोल पंप अभी जो मिला वहाँ पेट्रोल ही नहीं
अब ऊपर पता नहीं कितना बोले पेट्रोल का। Let's have a meal. Chow chow, eh? Kya chow chow? Chowmin. Why why ki chowmin? वाई वाई विद अंडा सा ये चिली टिम्बुर 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 ला इंग्लिश में क्या बन जा टिम्बुरे हो ठक इंग्लिश में टिम्बुरे यार है आई ना टिम्बुर ला टिम्बुर ले चट टी एम बी यू वाला इंग्लिश में लिखने तो टिम्बुर वाले नाम थोड़ी टिम्बुर वाला इट्स अ स्पाइस लाल अच्छा बीच में ऑफ रोड ना हो तो इनको चैन नहीं है। बस छूने की देर है अब इतना पास लग रहा है। यार ये देख के तो मेरा मन गार्डन गार्डन हो गया। वो यहाँ पेट्रोल पाइन्छ यहाँ भी पेट्रोल पाइन्छ। कसले भन्छ हौ ए हजुर पेट्रोल कसरी छ लिटर 200 रुपये पेट्रोल 200 रुपये लीटर भर के रख लेते हैं यार सेफ साइड। हो गया मेरे नेपाली व्यूअर्स अगर कोई नेपाली व्यूअर्स है तो आई एम नॉट श्योर बट मुझे ऐसा लग रहा है ये वो वाला सेक्शन है जहाँ पे कबड्डी मूवी का शूट हुआ था वो चेजिंग सीन लास्ट वाला बाइक में जब भागता है वो यहीं कहीं पे हुआ था होगा। पंचीवन उड़ती फिर आज चमन में आज आजाद फिर तो हम लोग आ रहे थे यहाँ पे रास्ते पे इन्होंने हमें रोक लिया तो नाच्ने एकजना मात्रै भयो त अन्त अझ एकजना चाहियो नाच्ने अन्त मात्रै दक्षिणा पाउँछ ए रातो माटो। लो सबैजना फिस बम दिएर जाउँ लु वान खोइ अर्को खोइ खोइ एट टू लु खोइ थ्री खोइ छुएर तिमीले त छिटो थ्री लु फोर लु खोइ बहिनी लु लु बेटे। सो ऑन द ओकेजन अफ दिवाली सो हमारे कास्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि कैरल टाइप का खेलते हैं तो यहाँ बच्चे लोग रास्ते पे पत्थर लगा के थाली लगा के बीच में खेल रहे थे देवसी भाई लोग। बहुत छोटा सा विलेज है तो ज़्यादा कहीं जा नहीं सकते तो उन लोग रास्ते में बैठ के जितने व्हीकल हैं उनको ट्राई कर रहे थे रोकने के लिए।
So we have just entered Marfa. So this is Marfa village. है ना हमें तो यही हो तर मैं भनेको ये हो भनेको फर्क म सोधेर आउँछु ल फर्क भाई मार्फा गाउँ यही हो भित्र हो बाइक जान्छ है माथि होमस्टेहरू छ सबै छ है ल ल हुन्छ हुन्छ तो ये है जहाँ पे जेरी मूवी का शूटिंग हुआ था ओ शिट सो ब्यूटीफुल दिस इज सो नाइस विल जस्ट गो टेक अ राउंड एंड कम बैक This is so beautiful. वो टोटो भी चलता है इतना बड़ा खड्डा था दिखा भी नहीं वे टू ढालूगिरी धौलागिरी बेस कैंप सो द नेम ऑफ द होटल जहाँ हम रुक रहे हैं इज होटल टांपोपो दे हैव कैंपिंग स्पेस ऑल्सो पीछे में उनका जहाँ पे आप अगर आप टेंट लेके आए हो तो कैंप करके रोक सकते हो कैंपिंग को लगी कता ए यहीं कता हो आई रियली लाइक इट चार भाई अट्ने रहे तो यहाँ तो पानी तो तातो आउँछ दाइ पानी छ है रूम हिटर तो छैन होला तातो भइहाल्छ ल त सो आजको हाम्रो ठिकाना होटल टांपोपो